व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्धर बोल रही हूँ। आज हम एक लेटेस्ट न्यूज देखेंगे और वो लेटेस्ट न्यूज किसके बारे में है वो देखते हैं। चलिए, तो आज हम युगांडा में जो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। ये वैक्सीन है एचआईवी क्योर के ऊपर और उसका जो युगांडा में उसका प्रयोग चालू है और ये युगांडा के रिसर्चर और यूएस के रिसर्चर्स ये दोनों ने मिलके ये वैक्सीन बनाया है और ये इसका एक ट्रायल तो फेज वन का भी हो गया है और अभी अगर उनको अप्रूवल मिला तो फेज टू में ये साल के अंत तक जा सकते हैं। तो ये युगांडा के जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहले अफ्रीका में जो फर्स्ट ट्रायल चालू हुआ था वो फर्स्ट ट्रायल 2020 में स्टार्ट हुआ था और वो मालूम है आपको वो 1500 मीन्स 1500 पीपल में अफ्रीका के युगांडा टैंजानिया में वो चालू हुआ था और उसके रिजल्ट इतने अच्छे आए नहीं थे इसलिए वो लास्ट ईयर बंद किया था। लेकिन अभी तब सिर्फ वो अफ्रीका के जो साइंटिस्ट थे उसमें इन्वॉल्व थे लेकिन अभी ये युगांडा के जो साइंटिस्ट है रिसर्चर्स उनके साथ यूएस के रिसर्चर्स भी मिल गए हैं और वो उनको सिक्योरिटी का प्रॉमिसिंग और इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट और डिफेंस का वो सपोर्ट करने वाले हैं और वो पूरे जो वो रिसर्च करने वाले हैं उसमें उनके साथ वो रहेंगे। तो मैं जो बोल रही थी आपको फर्स्ट ट्रायल के बारे में, वो ट्रायल उन्होंने किसने किया था, 1500 पब्लिक ने किया था और वो उसका एज ग्रुप 18 से 50 का एज ग्रुप था। लेकिन उन्होंने आफ्टर 6 महीने उन्होंने देखा रिसर्चर्स ने कि उनको इतना अच्छा उसका रिजल्ट्स नहीं मिला इसलिए वो वैक्सीन एफिकेसी नहीं है इसकी वजह से वो थोड़ा बंद किया गया। वो दो तरफ का कॉम्बिनेशन वैक्सीन था तो उसमें उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अभी जो ये है नया वैक्सीन क्या रैपिड वैक्स है और ये ट्रायल वो अभी करने वाले हैं और ये फेज टू ट्रायल होगा और वो इंसानों के ऊपर ही होगा। और अगर ये ट्रायल अच्छी तरह से हो गया तो दुनिया में जो 39 मिलियन पीपल्स एचआईवी बाधित है उनके लिए ये अच्छी गुड न्यूज होगी। और ये कैंडिडेट रैपिड वैक्स इसके पहले भी हमने 2020 में जो उन्होंने बनाया था फेज वन वो कोरोना में भी उन्होंने यूज किया था लेकिन अभी उनका जो सहारन अफ्रीका का जो एरिया है उसमें 23 मिलियन पीपल्स आर एचआईवी पॉजिटिव है मीन्स वो 23 पीपल्स जो है मिलियंस वो 23 मिलियंस पीपल वो एचआईवी बाधित है और उनके लिए ये जो नया वैक्सीन है रैपिडवैक्स कैंडिडेट रैपिडवैक्स वो ये अभी युगांडा और यूएस के रिसर्चर्स मिलके करेंगे। लेकिन वो जो पेपर है वो उन्होंने समिट कॉन्फ्रेंस में वो पेपर प्रेजेंट किया था और तब भी वो बहुत ही खुश थे सब रिसर्चर दोनों युगांडा के और यूएस के और उन्होंने पेपर प्रेजेंट किया। लेकिन वो अभी वो ट्रायल फेज टू का चालू हो जाएगा लेकिन उसमें कौन से कितने पीपल वो लेने वाले हैं क्या उनका स्ट्रेटेजी है वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है। वो जैसे बताएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अगर वो मिलेगा तो ये दुनिया भर में एक अच्छी खबर फैल जाएगी और जो
ग्रासित लोग है एचआईवी, उनके लिए ये वैक्सीन अगर निकलेगा तो वो बहुत ही अच्छा एक न्यूज होगी, और एक अपने दुनिया भर में जो एचआईवी पेशेंट है वो एचआईवी फ्री हो जाएंगे और ये एचआईवी का क्योर भी आ जाएगा। और ये वैक्सीन जो मैंने बोला ये कैसे काम करेगा, तो वो अपना जो ह्यूमन सिस्टम में जो CD4 सेल्स है, टी सेल्स और CD48 सेल्स, उस पे ही वो अटैक करके उनको जागरूक करेंगे, और जो अपने रिजर्वायर में सेल्स है उनका वो नायनाट करेंगे। और ये पहले जो उन्होंने किया था फर्स्ट टाइम, वो मैसेंजर आरएनए में था और वो कॉम्बिनेशन में था, लेकिन ये अभी कौन से प्रकार के वो वैक्सीन वो तैयार करने वाले हैं वो उन्होंने थोड़ा सीक्रेट रखा है। तो अगर वो जब आएगा तो हम देखेंगे, और उसके जैसे जैसे लेटेस्ट रिलीज हो जाएंगे पेपर्स, और उन्होंने क्या दिया, वो क्या कर रहे हैं, ये अपने दुनिया भर के सामने आ जाएगा। तब तक व्यूअर्स अपना जो ERT ट्रीटमेंट है अपने को लेना पड़ेगा। और अगर मैंने हर एक में वीडियोस में बोलती हूँ, अगर आपको सेक्स करने का है तो कंडम यूज कीजिए, क्योंकि उससे ना आपका रोग का फैला होता है, लेकिन आपको STD का भी डर नहीं लगता है, ना ही अदर स्ट्रेन का HIV आपको हो सकता है। तो ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि कंडम अगर यूज करेंगे तो आपका HIV का ही नहीं तो अदर रोगों का भी फैलाव नहीं होगा। तो व्यूअर्स, अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।